اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم رب لي لي صدري ويسر من لساني قولي زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم मेरा मोहरम भाइयों अज़ीज़ साथियों और पर्दा नशीन ख़वातिन मिलत आज के इस इजलास के लिए जो मुझे उनवान दिया गया है वो है मुसलमानों का अखलाक़ी इल्मी जवाल ही असल जवाल है तो सबसे पहले हम लफ्ज़ जवाल का माना समझेंगे कि भई जवाल के माने पस्ती के होते हैं पिछड़ेपन के होते हैं नीचे की तरफ़ जाने को जवाल कहते हैं उसी को ज़रा अनहता और पस्ती तनज्ल जैसे अल्फाज से ताबीर करते हैं और उसका आपोजिट वर्ड है इकबाल तरक्की, रूच ऊपर उठना ऊपर जाना अब येज भी कई एतबार से था मुसलमानों को रब्बुल इज़्ज़त ने सियासी अता किया सियासत के मैदानों में उन्हें इमामत का मनसब दिया सियादत और क़्यादत उनकी दुनिया भर में फैली हुई थी सियासत के अलावा इल्मी उरूज भी उन्हें हासिल हुआ इल्मी तरक्याँ भी उन्हें हासिल हुई और इल्म के साथ, साथ वो अखलाक के मैदानों में भी बहुत ही कामयाब रहे लेकिन मुझे सियासत से ज़्यादा सरोकार नहीं है आज के ऊनवान में अगरचे मुसलमानों ने एक हज़ार बरस तक हुकूमत की है लेकिन बास दानिशवरों का ये ख्याल है कि अल्लाह इज़्ज़त ने मुसलमानों को सिर्फ हुकूमत करने के लिए नहीं पैदा किया है उनका असल मिशन ये था कुम खैरा उखरजत लिन्नास तमरून अबिल्मारूफ वतान हवना अनिल मुनकर तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हो भलाई का हुक्म देते हो बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखने वाली जमात हो तो ये ना तो ये हाकिम है ना ये महकूम है इनका किरदार किरदारदायाना है और हुकूमत सियासत सियादत क़्यादत मनसब अल्लाह अल्ला रब्लमीन की जानब से इनाम और इकराम है या उसका एहसान है वो जब चाहता है किसी को दे देता है जब चाहता है छीन लेता है अब इससे थोड़ा और आगे बढ़िए मुसलमानों का इल्मी इलमी ये येज समझने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत हुई तो बेसत के वक्त दुनिया की हालत क्या थी सारे ही मर्रखीन ने लिखा है कि मसीही दुनिया ये अधेरों में डूबी हुई थी इन्हें कोई उजाला और कोई रोशनी हासिल नहीं थी और अरबों के यहाँ भी बहुत सारे बिगाड़ और फसादात रूनुमा हो चुके थे अखलाक़ी एतबार से भी और दूसरे एतबार के जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िलात नबुवत से सरफराज किया गया नबुवत का ताज आपके ऊपर रखा गया तो आप अलैहि वसल्लम ने सहाब कराम के दिलों में खौफ़ खुदा पैदा किया अल्लाह का खौफ जब पैदा किया और इल्म की दौलत से उन्हें माला माल किया, फैज़ान नबूत से उन्होंने ये चश्मा हासिल किया ये सैराबी हासिल की ये नूर हासिल किया तो फिर जब ये लोग ये नूर लेकर के उठे तो पूरी दुनिया में छा गए और इनके अखलाक का डंका बजने लगा इनके इनकी सीरत और इनके किरदार की शहादत और गवाही दुनिया भर ने दी आप देखें इलमी एतबार से मुसलमानों के उरूज की अगर मैं बात करूं, तो अहदे नबू से शुरू करूं और ये दो तीन बातों को बयान करके जरा आगे बढ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 बरस की उम्र में नबी बनाए गए तीन साल खुफ़िया दावत के हैं धीरे धीरे लोगों को अल्लाह की तरफ़ बुलाते रहे उसमें ये मौका नहीं मिल सकता था उसके बावजूद मक्की ज़िंदगी में हजरत अरकम रजी अल्लाह तहों के घर में अल्लाह के नबी सली सहबा कराम की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम कर रहे थे सहाबा कराम को पढ़ाते थे मक्की ज़िंदगी में भी जबकि जान हथेलियों पर रखे हुए थे और हर वक्त दुश्मन का ख़तरा था और उसके बाद जब अल्लाह के नबी सल्हल् हिजरत करके मदीना तयबा पहुँचे मदीना मुनव्वरा पहुंचने के बाद मस्जिद नबवी के अंदर सत्तर अस्सी कभी सौ सहाबा और हदीस का इल्म हासिल करते थे उन्हें सुफ़ा कहा जाता है मस्जिद के अंदर एक चबूतरा बनाया गया था यह साहब कराम वहाँ रहते थे और उनमें से खास तौर से मशहूर हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह हैं है अबू रजी अल्लाह तला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साये की तरह से चिमटे रहते थे कि कोई बात कोई हदीस हमें मालूम हो जाए कोई रोशनी हमें मिल जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात और आपके इर्शादात को अपने हाफ़िज़े में महफूज करते थे और इस इल्म के हुसूल के लिए भूख की शिद्दत को भी बर्दाश्त करते थे एक आध बार ऐसा हुआ कि भूख की वजह से बेहोश होकर गिर गए गशी तारी हो गई हज़रत अबूर रजील तुन ये ग़रीब साहबा कराम थे जिनके लिए खाने का इंतज़ाम मदीना के जो मालदार साहबा हैं उनके घरों से हुआ करता था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद ही को एक यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया था बैक वक्त और वहीं से बहुत सारे उफाज निकले एक मौके पर तो ऐसा हुआ कि लोगों ने अल्लाह के नबी सल्ला वल् से ये फरमाइश की कि हमारे कबीले और ख़ानदान की असलाह के लिए आप सहबा कराम को दे दीजिए अल्लाह केसल्म ने सत्तर साहबा कराम को दे दिया और सब के सब हाफिज थे पूरे के पूरे हुफ़ाज़ थे और इन ज़ालिमों और दगाबाजों ने धोखे से इन सारे साहबा कराम को शहीद कर दिया थोड़ा और आगे बढ़िए मुसलमानों के रूज की बात करता चलूँ खिलाफत अब्बासिया अब्बासी खलफा का मरकज़ इराक़ था और बगदाद उस वक्त उनके लिए सबसे अहम शहर था मामून रशीद ने एक अदारा एक इंस्टीट्यूट कायम किया था उसका नाम था इदारा बैतुलमा उसे हाउस ऑफ़ विजडम इंग्लिश में कहा गया हाउस ऑफ विजडम जहानत का घर बैतुल्क्मामा हकमत का घर उसके बारे में मुरखी ने लिखा है कि ये बगदाद के अंदर जो लाइब्रेरी बनाई गई थी दी ग्रैंड लाइब्रेरी ऑफ बगदाद बगदाद की सबसे अजीम शान लाइब्रेरी उसमें तकरीबन बाज़ मर्रखी ने कहा कि चार लाख किताबें थी और उस जमाने की उस लाइब्रेरी को आज के जमाने में ब्रिटिश लाइब्रेरी से लोगों ने कंपेयर किया है कि उतनी किताबें उसके अंदर थी और दुनिया भर के लूम और फनून की किताबें वहां जमा की गई थी और ट्रांसलेशन के लिए तराजिम के लिए बड़े बड़े को फिलासफर को रखा गया था और बास किताबों का बदला वो दीनार में दिया करता था दो लाख दिरहम या उससे भी ज्यादा रकम से उसकी शुरुआत हुई थी तो दीनार ये सोने के सिक्के होते हैं गोल्ड के जो कॉइन होते हैं उसे दीनार कहते हैं उतनी रकम उसने खर्च की थी और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के यहूदी और ईसाई भी वहाँ जा करके फैज़ हासिल करते थे इल्म हासिल किया करते थे अलामा इब्ने खलदून ने लिखा है उस लाइब्रेरी के बारे में कि इस लाइब्रेरी ने मुसलमानों के ऊपर पांच सदियों तक असरा छोड़े हैं गहरे असरा पांच सदी पांच सौ सालों तक के लिए इस लाइब्रेरी ने गहरे असरा छोड़े थे और जब इराक के ऊपर कब्जा किया दुश्मनों ने ईसाइयों ने तो जाहिल पादरियों ने इन लाइब्रेरियों को जला दिया सारी किताबें खुर्द बुर्द कर डाली नेस्तो नाबूद और तबाह बर्बाद कर डाली अब इस वक्त एग्जैक्ट ये पता लगाना भी मुश्किल है कि ठीक इसी मकाम पर यह इदारा कायम था जिसका नाम बैतुल हिकमा था जहां यह लाइब्रेरी थी अगर मैं अपने आज के दौर में मुआशरे की बात करूं तो देखो लाइब्रेरियों के बारे में लोगों की सोच अब खत्म हो चुकी है यह बगदाद के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगु कर रहा था थोड़ा सा और आगे बढ़िए और आप स्पेन पहुंच जाइए जिसे उर्दू में अरबी में उंदलुस कहते हैं और कुछ लोग उसे हस्पानिया कहते हैं स्पेन की राजधानी का नाम मैड्रिड है यहाँ 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की लेकिन जरा सोचो और गौर करो कि जब 800 बरस तक मुसलमानों ने हुकूमत की और क्रिश्चियनों ने इस मुल्क को मुसलमानों से छीना तो क्रिश्चियन जासूसों ने कहा कि हमने इस मुल्क को मुसलमानों से शराब और औरत के जरिए से छीना है और इस चीज को हम मुसलमानों में आम करेंगे थोड़ा और आगे बढ़िए जब इस पेन को मुसलमानों से इन लोगों ने छीन लिया जहां मुसलमानों की शानदार तारीख रही है गरना कुरतुबा कुर्तुबा कुर्तुबा की जामे मस्जिद को देख करके आपकी आंखों से आंस निकल जाएंगे आंसू निकलेंगे इतनी शानदार और आलिशान मस्जिद वो गिरजाघर में तब्दील कर दी गई अशबीलिया और राजा का जो महल है जिसका नाम अल-कसरुल हमरा था राजा का महल जिसमें बादशाह रहता था अल-कसरुल हमरा गना था अश्बीलिया ये सारी चीजें बाज लोगों ने यहां तक लिखा है कि किस के मुसलमानों का हर घर लाइब्रेरी बना हुआ था हर घर में किताबें थी बाज बाज मुसलमानों के घरों में एक एक लाख किताबें हुआ करती थी अफसोस पांच सौ बरस तक उसी मुल्क में फिर अजान नहीं हुई जहां आठ सौ बरस तक मुसलमानों ने हुकूमत की थी जब उन लोगों ने मुल्क को छीना तो मौरिक इस्लाम अकबर शाह लिखते हैं कि तकरीबन बीस लाख मुसलमानों को मारा गया कई सालों में एक ही दिन में नहीं कई सालों में इतने लाख और जो किताबें उनके काम की थी साइंस और टेक्नोलॉजी की जो किताबें थी वो किताबें तो यूरोप लेकर के चले गए अमेरिका और इंग्लैंड वगैरह लेकर चले गए और जिन किताबों का बोझ उठाना उनके लिए मुश्किल था या उनके मुफीद मतलब नहीं थी काम की किताबें नहीं थी उनको दरिया बुर्द कर दिया दरियाओं में या उन किताबों को जला डाला ये जाहिल पादरियों ने यह काम किया इल्म के साथ उंदुलुस। उंदुलुस। उंदुलुस की तारीख लोग पढ़ते हैं तो अश्क बहाते हैं रोते हैं कि हाय जिस मुल्क में मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत की थी वहां 500 साल तक अजान भी नहीं हुई थी अब अलहमदिल्ला पंद्रह बीस साल से मस्जिद बनी और अजान होनी होने लगी है आप आगे चलिए और देखिए कि इल्म क्या है यह तो थोड़ा उरूज के बारे में बातें कर रहा था इल्म क्या है इल्म एक रोशनी है एक उजाला है जिस उजाले में कौमें सफर करती हैं और जहालत क्या है एक अंधेरा है जिसमें कौमें डूब जाती हैं इल्म एक जेवर है जिससे कौमें सजती हैं और संवरती हैं इल्म एक ताकत है जिससे कौमें मजबूत बनती हैं कौमों जमातों और नस्लों की तारीख इसी इल्म के अंदर मुजमर है और तनजुल जवाल पस्ती और इहता तरके तालीम में है जब लोगों ने इल्म को छोड़ दिया तो वो जवाल का शिकार हो गए इल्म ही है इल्म ये किसी भी कौम के माथे का झूमर हुआ करती है हमारे लिए तो इल्म किसी दानिशवर का कौल नहीं किसी फलसफी का कौल नहीं ये तो मजहबी फरीजा है हमारे लिए और इस उम्मत की बिना और बुनियाद पड़ी थी लफ्ज इकरा से इकरा बिस खलक खलक अल इंसान अमिन अलक पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया खलक अल इंसान अमिन अलक जिसने इंसान को जमे हुए बस्ता खून से पैदा किया और फिर कहा इकरा व अब बुकल्ला करम पढ़ो क्या पढ़ोगे रब तुम्हारा रब बड़ा करीम है बिल कलम कलम के जरिए से इल्म सिखलाया तो पता चला कि असल इल्म वह है जो कलम में हो चंद जुमले आपको बोलने के लिए आ गए या आप समझ लेते हैं तो उतना काफी नहीं है अल्लाधी बिल कलम इंसान और ये इल्म क्या है इल्म है कि अल्लाह रबुलमी ने तुम्हें वो चीजें सिखाई हैं जिसे इंसान नहीं जानता था और अल्लाह के इजाफा अल्ला मेरे, मेरे कर दे मेरे में जाती फर्मा तो देखा इस मौजू पर आयतें बहुत ज्यादा है हदीसें बहुत ज्यादा हैं मुझे पंद्रह मिनट इसके बारे में बात करनी है और पंद्रह मिनट अखलाक के बारे में गुफ्तु करनी है तो ये तो उरूज के बारे में बात कर रहा था कि मक्की जिंदगी में दार अरकम और मदीना के अंदर मस्जिद नबवी और बगदाद के अंदर बैतुल और के अंदर ये सब सारी चीजें हुआ करती थी और हिंदुस्तान में भी अलहमदिल्ला मुसलमान बहुत आगे थे तकसीम हिंद के बाद मुसलमान मुसलसल पस्ती में चले गए और पिछड़ेपन का शिकार हो गए अब बहुत ज्यादा पीछे की तरफ जो है किसी ने बहुत बड़ी बात कही कि जो आ, कार में जो गिलास लगा होता है सामने देखने के लिए बड़ा रहता है पीछे के लिए छोटा सा रहता है बहुत ज्यादा उसका बखान करके मैं क्या करूंगा दो साल से तकरीबन लॉकडाउन है लॉकडाउन लॉकडाउन कह करके हमारे पेरेंट्स ने और सरपरस्त हजरात ने बच्चों पर खास फोकस नहीं किया अगर चाहते तो यह वक्त अल्लाह आलमीन की जानिब से दी हुई अमानत है सही इस्तेमाल करते उन्हें बहुत अच्छा मौका था माँ बाप दोनों मिल करके अपने बच्चों की तामीर और तरक्की में बड़ा रोल अदा करते कुरान करीम हिफ्ज करवाते हादिस मुबारक हिफ्ज करवाते अकाइद के अबवाब और चैप्टर उनसे पढ़वाते उन्हें सिखाते अकाइद के सवाल और जवाब उनके जहनों में पैवस्त कर देते अगर वो चाहते तो सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनके सामने वो किताबें उनको पढ़वाते उनको सिखाते बच्चों को दुआएं सिखाते सूरतें सिखाते अगर अफसोस हमने यह काम नहीं किया और किसी भी कौम का सवाल एक दिन में शुरू नहीं होता है कोई भी एग्जैक्ट यह नहीं कह सकता है कि मुसलमानों का सवाल कब से शुरू हुआ हिंदुस्तान में सवाल के बारे में लोग कहते हैं कि औरंगजेब का जब इंतकाल हुआ 1707 में 1707 में तो कहते हैं कि वहां से मुगलों का सवाल शुरू हुआ 1526 सौ ईस्वी में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद पड़ी और बहुत सारे बादशाह आते रहे वैसे तो मुसलमानों की तारीख बहुत शानदार हिंदुस्तान में एक हजार बरस तक रही है सियासी एतवार से सत्रह में जब इंतकाल हुआ तो मराठा सिख और जाट ये तीन ताकतें उभरी और सल्तनत कमजोर होती चली गई यहाँ तक कि अठारह में बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और ये बात बहुत कम लोगों को पता है जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं यह अफसोस का मकाम है कि मुगलों का आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफर को फिरंगियों ने अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और उस जमाने में कहा जाने लगा कि मुगलों की सल्तनत दिल्ली से पालम तक है तो दिल्ली ही में एक इलाका है पालम वहां भी एयरपोर्ट है मतलब मुख्तर चंद किलोमीटर के लिए उनकी सल्तनत बाकी बची थी तो जवाल एक दिन में शुरू नहीं होता है अचानक ऐसे और जवाल का कोई एक सबब नहीं होता है बहुत सारे उसके असबाब होते हैं मगर एक सबब की तरफ इशारा करूं जिस वक्त अंग्रेज फौज चांदनी चौक पर ड्रिल करती थी मार्च करती थी सुबह में उठ करके पांच बजे साढ़े चार बजे और वो घोड़ों पर बैठ करके रिहर्सल करते थे वो लोग उस वक्त लाल किला के, के अंदर रात भर मुशायरा चलता था किसी कौम के ऊपर सवाल ऐसे नहीं आता है पूरी पूरी रात मुशायरा होता था और जिस वक्त अंग्रेज अफसर साढ़े सात बजे नाश्ता करके अपनी ऑफिस में बैठ जाता था उस वक्त ये सो जाते थे इनका नाश्ता दोपहर में होता था जब अंग्रेज का लंच होता था बस समझ में नहीं आ रही है भाई अंग्रेज जब दोपहर का खाना खाता था तब इनका नाश्ता होता था पूरी पूरी रात मुशारे होते थे मुजरे होते थे कहवालियां होती थी गाने वालियां गाती थी शोरा अपना कलाम पढ़ते थे और उस पर दादो दहेश मिलते थे वाह 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 क्या बात है कौम की हालत हो चुकी थी अंग्रेज दिल्ली में बैठा हुआ अपना सारा काम कर रहा था और यहां मुशायरे चल रहे थे और आज भी मुशायरे के अंदर बाज बाज शायर को कलाम पढ़ने के लिए डेढ़ लाख रुपए मिलते हैं और कौम उस पर तालियां बजाती है वाह वाह के सदाएं बुलंद करती है ये कौम की हालत हो चुकी है मेरे भाइयों तो ये आप जब माजी देखेंगे तो इबन फाराबी और मोहम्मद बिन मूसा खबारिजमी अलामा इबन तहमिया कईम और बड़े बड़े लोग पैदा हुए केमिस्ट्री का बाबा आदम जाबिर इबन हयान को कहा जाता है कि जाबिर इबन हयान ये केमिस्ट्री का बाबा आदम था और मैथमेटिक्स में इलम रियाजी में अरबों में अरबों ने जो काम किया आज तक अल जेबरा है जेबरा नहीं अलिफ लाम उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, अल जेबरा और उसे हटा नहीं सकते हैं और अल जेबरा आज मैथमेटिक्स का एक अहम चैप्टर बना हुआ है यह सब अरबों ने किया था और साइंस के मैदानों में टेक्नोलॉजी के मैदानों ने मुसलमानों ने बहुत बड़े काम किए मगर जब हमने असलाफ के नक्शे कदम पे चलना छोड़ दिया अखलाफ होकर के और जब शमशीरों सेना को छोड़कर के करके और रबाब को अपना लिया मतलब तीर और तलवारों से हमने मुंह फेर लिया और फिर गाने बजाने आला थे तरब हमें अच्छे लगने लगे अमल से नशात से आरी हो गए हत्ता कि हत्याजिन पुकारता है आओ नमाज की तरफ तो भी ये कौम सुनने के लिए तैयार नहीं है और यह भी अखला की पस्ती की एक मिसाल आप देख लीजिए अभी भी बहुत थोड़े लोग बैठे हुए हैं ये प्रोग्राम हो रहा है अज कम थोड़ी देर वक्त निकाल देते उनकी भलाई की बातें हो रही हैं तो मेरे भाइयों भाईयों और जवाल में आप देखेंगे कि सदियों का फासला लग जाता है तरक्की करने के लिए भी सौ साल लग जाते हैं और सवाल के लिए भी सौ साल लग जाते हैं बाज लोगों का यह ख्याल है कि एक हजार बरस तक मुसलमानों को दुनिया भर में उरूज हासिल रहा हर एतबार से सियासी समाजी तमदनी माशरती अखलाकी इलमी हर एतबार से और 300 सालों से मुसलमान जवाल के शिकार हैं और इस मौजू पर मुसलसलम खिताब कर रहे हैं तकरीर कर रहे हैं किताबें लिखी जा रही हैं और जवाल के असबाब की तलाश जारी है असबाब की तलाश जारी है तो देखें थोड़ा असबाब के बारे में बात करता चलूं कि आखिर यह इनहतात यह डेकलाइन ये पतन ये पस्ती और यह जवाल क्यों है जब तक हम मरस की निशानदही सही ढंग से नहीं करेंगे तब तक सही नतीजे पर पहुंच नहीं सकते हैं मीठी मीठी बातें की गई और ये कहा गया कि हमारे बाप बादशाह थे सत्तर साल के बाद आज़ादी के सत्तर साल के बाद मुसलमानों की हालत यहाँ तक पहुँच चुकी है लव जिहाद मॉब मॉबलिंचिंग अभी अभी दोपहर की न्यूज़ उड़पी में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने की बिना पर कॉलेज के बाहर रोक दिया गया और यह शायद चौथा या कॉलेज है तकरीबन पाँच कॉलेज में हालिया दिनों में ऐसा हो चुका है तो मुस्लिम जो है ना आ, लोग मुसलमान लोग मुसलसल बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं लेकिन जिस चैलेंज का सामना जिस तरीके से करना चाहिए उस ढंग से अभी हम नहीं कर पा रहे हैं तो देखें जवाल के असबाब में से दो सबब हैं एक दाखिली एक खारजी एक इंटरनल एक एक्सटर्नल अगर आपको यह पता चले कि हम नीचे क्यों जा रहे हैं पस्ती में क्यों जा रहे हैं हमारे इनहताज की वजह क्या है तो इनशाला बहुत जल्द आप उसको दूर करके कामयाब हो सकते हैं अक्सर लोगों ने क्या किया जवाल की वजह कहा कि इसमें साजिश है मुसलमानों के पिछड़ेपन में इनके जवाल में बहुत बड़ी साजिश है यही कहते रहे मुसलसल कि इसमें यहूदियों की साजिश है इसमें ईसाइयों की साजिश है और इसमें गैरों की साजिश है यह मुल्क साजिश है मकामी साजिश है आलमी साजिश है यहाँ सायियों साजिश है ये सब साजिशें ही हम बयान करते रहे ये सही है कि जुजवी तौर पर यह उनकी साजिशें हैं हर दौर और हर जमाने में मुसलमानों के खिलाफ उन लोगों ने साजिशें रची हैं और यह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में भी बयान कर दिया है किताब में से जो लोग काफिर हैं उनकी यह ख्वाहिश होती है कि काश तुम्हें तुम्हारे दीन से कर दें और कुफ्र की तरफ तुमको फेर दें

असल सबब तो हम खुद हैं मैं एक बात कहूं अगर आप स्कूल खोलना चाहते हैं कॉलेज खोलना चाहते हैं तो अभी रास्ता आपके लिए मसदूद नहीं हुआ है। अगर आप नमाज पढ़ने के लिए आना चाहते हैं तो किसने आपको मना किया है हमने अपने पांव पर कुल्हाड़ी खुद मारी है हम खुद अपने बच्चों की तालीम और तरबियत से गाफिल हो गए यह हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती थी मेरे भाइयों और मेरी मां और बहनों गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक मुसलमानों की आबादी 14.2 है 14 परसेंट हम हैं कम से कम इतना तो होना चाहिए था एजुकेशन के बाब में कि मुसलमानों में डॉक्टर इंजीनियर लॉयर प्रोफेसर साइंटिस्ट 14 फीसद तो कम से कम हो जाते अगर कहीं किसी हॉस्पिटल में सौ डॉक्टर हैं तो कम से कम चौदह डॉक्टर कम कम से बता रहा हूं उससे ज्यादा तो होना ही चाहिए कम कम से इतना होना चाहिए था कि चौदह डॉक्टर पंद्रह डॉक्टर मुसलमान होते दो सौ में हमारा एवरेज तीस होना चाहिए था कहीं इंजीनियर हैं सौ हैं तो उसमें चौदह पंद्रह इंजीनियर मुसलमान होना चाहिए था कहीं लॉयर हैं जज हैं आदलिया के अंदर मुकन्ना के अंदर फौज के अंदर और एजुकेशन के जितने भी इदारे हैं उन सब के अंदर हमारी नुमाइंदगी कम से कम पंद्रह परसेंट होनी चाहिए थी तालीम निस्वा का मौजू बड़ा ही सुलगता हुआ है मुस्लिम बहने तालीम के मैदान में पीछे हैं अभी भी बहुत से लोग कह देते हैं कि नहीं नहीं कुछ भी परेशानी नहीं है ना एजुकेशन में हम पीछे हैं ना सियासत में पीछे हैं ना इल्म में ना अखलाक में सीधे सीधे बिल्कुल कह देते हैं हम पीछे ही नहीं है चाइल्ड लेबर बच्चा मजदूरी एक बर्निंग टॉपिक है चंद पैसों की खातिर उन्हें तालीम के रास्तों से हटा करके हमने बच्चों को काम पे लगा दिया गरीजों में यहां वहां दूसरी जगहों पर जहेज एक सुलगता हुआ मौजू है बड़े पैमाने पर मुस्लिम लड़कियां काफरों के साथ राह फरार अख्तियार कर रही हैं और उनके साथ शादियां रचा रही हैं जैसा कि हालिया दिनों में मुसलसल इसके बारे में खबरें आती रही सियासत में जवाल थोड़ी देर के लिए बात समझ में आती है मैन पावर की कमी अफराधी कुवत की कमी अगर हो जाए तो उसे वोट में बड़े पैमाने पर तब्दील करना मुश्किल होता है और वोट ना हो तो इकतेदार नहीं और इकतेदार नहीं तो फिर आप साइड लाइन कर दिए जाते हैं सियासत भी होनी चाहिए थी सियासी जवाल भी एक जवाल है लेकिन असल वो नहीं है जोहूरी मुल्कों में ये मुसलमानों को करना चाहिए था लेकिन मैं यहां एक बात कहता चलूँ मेरे भाइयों मेरी माँ और बहनों अफसोस का मकाम है कि हमारे मिली कायदीन ने जबरदस्त भयानक गलती की है फाश गलती की है 1947 में जब मुसलमानों की अफराधी ताकत मुंतशिर हो गई और माचिस की तीलियों की तरह से बिखर गई मुसलमानों का बंटवारा हुआ बार बार लोग कहते हैं मुल्क का बंटवारा मैं कहता हूं मुसलमानों का बंटवारा हुआ यहां से बड़े पैमाने पर मुसलमान पाकिस्तान चले गए और फिर वहां फिर से बंटवारा हुआ दुश्मन ताकतों ने फिर उसके टुकड़े टुकड़े किए बांग्लादेश बन गया तो यह बंटवारा यह तकसीम मुसलमानों की अफराधी को उनके शिराजे को मुंतशिर करके रख दिया मौलाना अबुल कलाम आजाद ने दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर कहा था कि मैं वो दिन देख रहा हूं जब तुम यहां इनके जुल्म के इंतकाम के शिकार रहोगे सदियों तुम्हारे साथ में ऐसा होता रहेगा और वो सत्तर साल में ही में आ गया सौ साल नहीं सत्तर साल ही में आ गया और वो जारी है अफराधी कुत मेरे भाई और मेरी माओ और बहनों मुस्लिम मोहल्लों में बड़े पैमाने पर आप देखेंगे खाने पीने की दुकानें आपको मिलेंगी खाने पीने की दुकानें बहुत मिलेंगी लाइब्रेरियां आपको कम मिलेंगी आप घर में चले जाओ इन घरों को किताबों की जीनत बनाना चाहिए था लेकिन शीशे की अलमारियां होती हैं शोकेस अरे बात मत करो भाई वैसे ही कम लोग हैं शीशे की अलमारियां और उनमें कटोरियां प्यालियां और प्लेटें रखी गई हैं किताबों के लिए हमारे घर में जगह नहीं कभी व्हाइट वाश की नौबत आती है माया कहती हैं कि कुरान को ले जाओ मस्जिद में रख दो कुरान रखने के लिए भी जगह नहीं चप्पल रखने के लिए तुमने स्टैंड बनवा लिए किताबों के लिए तुम्हारे पास में जगह नहीं पूरे पूरे साल गुजर जाते हैं किताबें नहीं खरीदते हो चार पांच हजार रुपए दे करके अगर तुम स्कूलों से बुक खरीदते भी हो तो उसे इस क्रॉप में बेच देते हो बच्चे को इल्म आया नहीं आया उस पर कोई फिक्र नहीं दो बरस का सा गुजर गया बस एक जुमला कहने में बदकिस्मती से हिंदुस्तानी मुसलमान बहुत आ गए हुकूमतें कुछ नहीं करती हैं भे हुकूमतों को क्या पड़ी है बच्चा तुम्हारा है तुम्हारी जिम्मेदारी है पहली जिम्मेदारी अव्वल जिम्मेदारी और माओ और बहनों के की तरफ भी मैं इशारा करना चाहूंगा कि उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है उनकी भी बड़ी जिम्मे और ये दीन और दुनिया का फर्क किए बगैर बैक वक्त एक बच्चा हाफिज़ भी हो इंजीनियर भी हो आलिम भी हो डॉक्टर भी हो जो सिर्फ दीन का इजम रखता है वो दुनिया की रहबरी नहीं कर सकता है और जो दुनिया की रहबरी कर सकता है मगर खौफ है खुदा नहीं है तो यही काम तो काफिरों ने किया है दुनिया का ढेर सारा इल्म है खुदा हो और अल्लाह से गाफिल बंदों के हाथों में हुकूमत चली गई लीडरशिप दो किस्म की होती है एक होपफुल और एक डिस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रॉय वाली तबाह बर्बाद कर देने वाली दूसरों के कंधों पर अपना पांव रख करके उनके सरों को कुचल करके अपनी लीडरशिप को कायम करना यह काम अल्लाह वाला नहीं करता है जब मुसलमान पीछे कर दिए गए ढकेल दिए गए और क्यादत लीडरशिप ऐसे हाथों में पहुंच गई जिनमें अल्लाह का खौफ नहीं था तो यही इसी क्यादत ने जन्म लिया और लोगों को उम्मीद देना दिलासा देना आदल इंसाफ बर्पा करना अच्छे अच्छे काम करना यह मुसलमानों का काम था बदकिस्मती से मुसलमान पीछे चले गए और दूसरों ने उनकी जगह ले ली और आज दुनिया तबाह और फसाद की आमाज का बनी हुई है थोड़ा सा अखलाक के बारे में भी बात करता चलूं वरना वक्त पूरी पूरी तरीके से निकल जाएगा अखलाकी ज़वाल ही असल जवाल है सियासत के मैदानों में तुम कामयाब ना हो सके तुम्हारी आबादी कम थी अफसोस की बात नहीं मगर तुम्हारी जबान सलामत रहती तुम्हारा किरदार अच्छा होता मैं कभी कभी रमजान में जब ये न्यूज पढ़ता हूं कि मुस्लिम बच्चे ने चलती हुई ट्रेन में किसी नॉन मुस्लिम लड़की के साथ में रेप किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यह कैसा मुसलमान है ये रमजान का बाबरकत महीना और मीडिया को मौका मिलता है उनको वही चाहिए मीडिया को इल्जाम मत दो तुम दुनिया के बेहतरीन उम्मत हो तुमसे ये तवक्को नहीं की जा सकती है जिनाकारी बदकारी शराब नोशी पचड़ापन ये सब सारी चीजें तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए अभी माजी करीब के अंदर हिंदुस्तान में अखलाकी खसाइश इस कदर बुलंद दर्जे पे थे वालिदेन की मोहब्बत औलाद के लिए और औलाद की मोहब्बत अपने वाले के लिए बाप के मर जाने के बाद भी बाप के मर जाने के बाद भी बच्चा अपने बाप के अजीजों के साथ में अच्छा सलूक किया करता था जैसा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया इन अबरिल बिर्री सिलातुर रजुल आहलाउे अभी ही बाद आई कि नेकियों में से सबसे बड़ी नेकी यह है कि बाप के मर जाने के बाद बाप के दोस्तों के साथ तक भलाई की जाए ये काम मुसलमान करते थे इससे पहले बच्चे माँ बाप के साथ में शादी हो जाने के बाद भी सर झुकाए रहते थे और माँ बाप भी अपनी राहत अपने आराम को हर किस्म की चीजों को कुर्बान कर देते थे औलाद के लिए वो जमाना भी दूर नहीं माजी करीब में ऐसा होता था और नौकर चाकर मुलाजिम ऐसे होते थे जो नमक हलाल थे नमक हराम नहीं थे वफादार हुआ करते थे और पूरी जिंदगी जिसके साथ में मुहला कर लिया निभा देते थे मौसम के सर्दो गर्म का और उसका उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था नौजवानों के अंदर उनकी जवानी इस्तेकामत का शिकार होती थी उनके अंदर उन, 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 उन नौजवानों के यहां अखलाक और किरदार की बुलंदी थी वो बुरी नजरों से दूसरी लड़कियों को नहीं देखा करते थे आज नौजवानों में इस कदर अखलाकी बिगाड़ पैदा हुआ अखलाकी की इनहतात और पस्ती की इंतहा देखो माँ बाप अगर जा के आलम में है तो उधर झांक के नहीं देख रहे हैं मोबाइल में बिजी हैं उनकी अंगुलियां मोबाइल की स्क्रीनों को टच कर रही हैं मां तड़प रही है बाप तड़प रहा है उनको इसकी फिक्र नहीं अखलाक की पस्ती और इनहतात का ये मकाम भी देखो कि बाप जा के आलम में है मरजुल मौत में है और आपस में भाई लोग काना फूसी कर रहे हैं फलां हवेली तुम ले लेना फलां जायदाद मैं ले लूंगा और ये कार फुला को दे देंगे ये अखलाक की पस्ती और सवाल और भी देखो कि निकाहों के अंदर शादियों में 20 20 लाख खर्चा करते हैं ये 20 20 लाख खर्चा करते हैं और यतीम बच्चियां ऐसे ही बेवा औरतें ऐसे ही मुआशरे के मसाइल ऐसे ही दौलत की रेल पेल होते हुए भी हाई बिल्डिंग है हाय बिल्डिंगे हाय इमारतें रात में तो मुगलिया सल्तनत तबाह हो गई बड़ी बड़ी बिल्डिंग है बना करके वो चले गए दूसरे लोग उसके ऊपर राज करते हैं उसका टैक्स भी तुमको नहीं मिल रहा है इन हवेलियों पे मत जाओ कौमों और अफराद की तामीर करो इंसानों की तामीर करो दबे कुचले मजलूम लोगों को सहारा दो दौलत इसलिए होती है अखलाक की अगर बात करूं तो मेरे भाइयों आज लोग गुरूर के पुतले बने हुए हैं गुरूर नशा अना खैरो मैं तुमसे बेहतर हूं मैं अच्छा हूं हर चीज में मैं 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 जा हो जाहदा उस सब के लिए यहूदी दुनिया के अंदर मारे काटे जा रहे थे उनके लिए कहीं कोई जगह नहीं थी खिलाफत उस्मानिया का जवाल खिलाफत उस्मानियान एम्पायर यह मुसलमानों की आखिरी खिलाफत थी पहली जंग अजीम 1914 से लेकर के 1919 के बीच में खिलाफत उस्मानिया तबाह बर्बाद कर दी गई सुल्तान अब्दुल हमीद सानी से यहूदियों ने कहा था कि अपने मुल्क फिलिस्तीन में और उसके करीब में एक जगह हमको दे दो तो उसने कहा था कि तुम्हें जमीन पाने के लिए सुल्तान अब्दुल हमीद सानी की लाश से गुजरना पड़ेगा आखिरकार साजिशें रची और आज 20-30 हिस्से मुसलमानों के हाथ में रह गए हैं 70 फीसद पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया सब्ज बाग दिखाए उनकी जमीनें खरीदी और जो जिन लोगों ने अपनी जमीनें नहीं बेची उनके ऊपर बुलडोजर चलवाया उनके ऊपर मिजाइलें छोड़ी तो आज सत्तर साल में कम अज कम ये समझ लेते कि अखलाकी जवाल और इलमी जवाल इन दोनों जवाल ने हमें यहां तक पहुंचा दिया एक जमाना मुसलमानों के ऊपर ऐसा गुजरा है कि जब यहूदी मैदान जंग में मुसलमानों से मुकाबला करते थे लेकिन इतना भरोसा था मुसलमानों पे कि वो अपनी बहनों बेटियों बीवियों को मुसलमानों के घरों में छोड़ जाते थे कि ये मुसलमान मैदान जंग में सीधा सामने से वार करेगा लेकिन हमारी बहनों और बेटियों पर बुरी नजर नहीं डालेगा मुसलमानों के घरों में छोड़ जाते थे और मुसलमान हमेशा सच बोलते थे मौलाना अलीमिया नदवी ने अपनी किताब माजा खसर बेहताल मुसलमे इंसानी दुनिया पर मुसलमानों के उर्ज जवाल का असर में एक वाक़ा लिखते हैं किताब के बिल्कुल अखीर में अंग्रेज़ों का ज़माना था हिंदुस्तान में मुफ्ती इलाही बख्श साहब को बुलाया गया अंग्रेज़ मजिस्ट्रेट ने इसलिए बुलाया था कि एक ज़मीन के बारे में हिंदुओं और मुसलमानों में झगड़ा हो गया कि ये ज़मीन हिंदुओं की है या ये ज़मीन मुसलमानों की है मुसलमानों को बुला करके पूछा कि किसी की शहादत और गवाही पर तुम्हें भरोसा है एतमाद है मुसलमानों ने कहा कि नहीं हिंदुओं को बुला करके अंग्रेज भाई सेठ ने पूछा कि मामला बहुत ही तश्वीशनाक है दोनों के दरमियान झगड़े हो सकते हैं यह बताओ कि कोई शख्स मुसलमानों में है कि जिसके ऊपर तुम लोग भरोसा कर सकते हो तो उन लोगों ने कहा था कि हाँ एक साहब हैं जो जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलते हैं और वह है मुफ्ती इलाही बख्श साहब कहा तो ठीक है उनको बुलवाओ उन्होंने कहा कि मैंने कसम खाई है कि सिर्फ फिरंगी की अंग्रेज की सूरत में देखूंगा कहा तो ठीक है मुंह उधर कर लेंगे मुंह उधर कर लें लेकिन मामला बहुत नाजुक है आ आए तशरीफ लाए पूछा मुफ्ती साहब ने कहा कि सच्ची बात तो यह है जब सब लोगों की उनकी तरफ नजरें उठी हुई थी कान लगे हुए थे कि देखें क्या जवाब देते हैं तो उन्होंने कहा सच्ची बात तो यह है कि यह जमीन हिंदुओं की है मुसलमानों का इस जमीन से कोई ताल्लुक नहीं है जमीन गज जमीन हिंदुओं के हाथ लग गई लेकिन उन्होंने आगे यह भी लिखा है कि इस इंसाफ से इस सदाकत और सच्चाई से बहुत से हिंदुओं के दिल उन्होंने जीत लिए दिलों को जो दिलों को फतह कर ले वही है जमाना दिलों को फतह किया था दिलों की तस्खीर की थी और उसी दिन बहुत सारे हिंदू मुसलमान हो गए थे आज मुसलमान अखलाक एतवार से बदनाम हो चुका है जिसकी जब कुछ तो मीडिया का हाथ है कुछ हमारे अपने किरदार भी हैं ये तस्लीम करो मुसलमानों के साथ लेन देन करते हुए मामलात करते हुए घबराते हैं कि पता नहीं ये क्या करेंगे पैसे लेंगे नहीं देंगे घर देने के लिए बहुत सारे लोग भागते हैं तो मेरे भाइयों और मेरी माँ और बहनों अपने किरदार को बुलंद करो बात बातें बहुत सारी हो सकती है सियासी सवाल अखलाकी सवाल इलमी सवाल आज सियासत के मैदान में हर शख्स कुछ नहीं कर पा रहा है कुछ ही खास लोग कुछ ना कुछ करते हैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं लेकिन अखलाकी एतबार से हम अपने दोस्तों के साथ पड़ोसियों के साथ रिश्तेदारों के साथ दुश्मनों के साथ मुलाजमीन के साथ बीवी बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव तो कर सकते हैं ना ये तो हमारे बस में है कि नहीं वो यहां बैठे बैठे प्रोटेस्ट करते हैं बाहर दुनिया के मसाइल के लिए और अपने गरीबानों में झाक कर नहीं देखते जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा तो अखलाक के तलवार से मारो अखलाक किरदार मुसलमान सियासी जवाल के शिकार हुए वो एक आर्जिश है थी इनका अखलाक भी पस्ती में चला गया सीधे मुंह बात नहीं करते हैं रमजान के महीने में गलियों में फिरते हैं ये दस दस नौजवान एक ही जगह दो दो बजरात में बैठे रहते हैं मेरी आंखें देखती हैं पूरे रमजान में बहुत सारे लोग तिलावत बिल्कुल नहीं करते हैं हाँ कचौड़ी पकौड़ी के बारे में बातें करते हैं नुक्कड़ों और चौराहों पे बैठ करके बातें करते हैं लाइब्रेरिया नहीं बनाते स्कूल नहीं बनाते कॉलेज नहीं बनाते सिर्फ बस प्रोटेस्ट वावेला हाय होश और शराबे उठो मालदारों अपने माल को लेकर के उठो इल्म वाले अपने इल्म को लेकर के उठो और कौम के लिए कुछ करो तकरीरों से बहुत ज्यादा कुछ होने जाने वाला नहीं है कुछ करो कुछ करो अगर इस तकरीर से दो चार बच्चों को आपने और बच्चियों को पढ़ाना चालू कर दिया तो इन ये एक काम हो जाएगा तकरीरें बहुत होती रहती हैं और जवाल के अब पस्ती में गुजरने के लिए अब और कोई हद नहीं बची है हर तरफ से चौमुखी चौ तरफे मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं जैसा कि आप सभी हजरात इस चीज को देख रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी और, और फनून के जखायर पर कब्जा कर लो कब्जा कर लो ये फन तुम्हारा था ये इल्म तुम्हारा था यह मैदान तुम्हारा था और इकरा के जरिए से इस कौम की बुनियाद पड़ी थी फिर से इकरा के सबक को फैलाओ अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इज्जत हम तमाम भाइयों और बहनों को इल्मी आमली और उखरवी कामयाबी अता फरमाए और जो जवाल जो पस्ती हमें लाइक हुई है अल्लाह तो फिर से हमको अरूज अता कर दे इकबाल और तरक्की अता कर दे व तिलकलायामू नुदावल्हान्नास ये तेरा वादा है कि हम दिनों को गर्दिश देते हैं तो अल्लाह फिर से ज़रा गर्दिश दे दे और ये पलट जाए मामला आज हम पस्ती में हैं कमजोरी की हालत में हैं, और हम इस बात का इतराफ करते हैं कि अल्लाह हम गुनेगार हैं हमारे गुनाहों की वजह से शायद ये सजा हमें मिल रही है अल्लाह तो हमें नेकियों की तोफ़ी अता फरमा हमें नमाज पढ़ने की तोफीक अता फरमा कौम के बच्चों और बच्चियों की तालीमी तरक्की के लिए कुछ कर गुजरने की तोफ़ी अता फरमा और अखलाकी जो कमजोरियाँ नकाइस और जो अखलाकी पस्ती और इन्हतात हमारे अंदर पैदा हो गया है अखला फा अखला की खसाइश खूबियाँ और कमालत हमारे अंदर पैदा कर दे हमें क्योंकि तोफ़ी अतः फर्मा अकुल कऊलिहादत फिर मुसलिम वस्तफ़िरफ़ुररीम